नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ NCL 4 मैन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चन, जो अति संभावित क्वेश्चन हैं। ये मॉडल क्वेश्चन हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। एंड बता दो कि ये मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। हिंदी में सिर्फ गाइडेंस के लिए मैंने यहाँ डाला है। तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नया है तो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। स्टार्ट करते हैं। लिखिए, कह रहा है कि सेमीकंडक्टर हैज़ डैश टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक अर्धचालक में प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सकारात्मक, यानी कि सॉरी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज सेमी कंडक्टर इज, यानी कि सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला अर्धचालक है। आपका ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन या फिर गंधक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ बायसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट इज, यानी कि यदि एम्पलीफायर सर्किट में बायसिंग नहीं की जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा। आपके ऑप्शन है बेस करंट में कमी होगी, बेईमान मतलब अनफैथफुल एम्पलीफिकेशन होगा, या फिर अत्यधिक कलेक्टर पूर्व प्रवाह होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चूँकि करेक्ट आंसर यही होगा कि अनफैथफुल एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ तो ये बेमान लिख दिया, इसको अनफैथफुल प्रवर्धन समझ लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर बायसिंग इज सॉरी ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाई अ ट्रांजिस्टर पूर्व ग्रह आमतौर पर एक डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है बायसिंग सर्किट द्वारा, बायस बैटरी, डायोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायसिंग सर्किट के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांजिस्टर बायसिंग प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द जीरो सिग्नल कंडीशन और ट्रांजिस्टर सीज डैश लोड, शून्य सिग्नल की परिस्थिति में एक ट्रांजिस्टर देखता है डैश। आपके ऑप्शन है डीसी, एसी, एसी डीसी दोनों और ऊपर में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी, शून्य सिग्नल की स्थिति में एक ट्रांजिस्टर डीसी देखता है, डीसी लोड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग इज यूज फॉर डैश एम्पलीफिकेशन, यानी कि ट्रांसफार्मर युग्मन का उपयोग डैश प्रवर्धन के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है शक्ति, वोल्टेज, वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति, यानी कि पावर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन क्लास ए ऑपरेशन द ऑपरेटिंग पॉइंट इज जनरली लोकेटेड डैश ऑफ द डीसी लोड लाइन, यानी कि कक्षा ए ऑपरेशन में ऑपरेटिंग बिंदु आमतौर पर स्थित है। आपका ऑप्शन है कट ऑफ पॉइंट पर, मध्य में, संतृप्त बिंदु पर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, मध्य में, यानी कि एट द मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन करंट फीडबैक नेगेटिव इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स इनपुट इम्पेडेंस, यानी कि जब वर्तमान प्रतिक्रिया ऋणात्मक को एम्पलीफायर पर लागू किया जाता है तो इसका इनपुट प्रतिबाधा डैश होगा। आपका ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, एक ही रहता है या फिर नॉन ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, वो है इन इज डिक्रीज्ड, यानी कि घट गया है या नहीं घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स आर, यानी कि एक चरण शिफ्ट में थरथराने वाला यानी कि ऑसिलेटर में आवृत्ति निर्धारण तत्व है। आपका ऑप्शन है एल एंड सी, एल आर एंड सी, आर एंड सी या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ द सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर एंड सी, आर और सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट द सीरीज रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस एल इज डैश वोल्टेज अक्रॉस सी, यानी कि श्रृंखला अनुनाद पर एल भार में वोल्टेज डैश है, सी भार में वोल्टेज। आपके ऑप्शन है समान लेकिन चरण के विपरीत, बराबरी लेकिन चरण के साथ, से अधिक लेकिन चरण के साथ या फिर से कम लेकिन चरण के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, समान लेकिन चरण के विपरीत, यानी कि इक्वल टू बट अपोजिट इन द फेज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन आइदर एल और सी इज इंक्रीज द रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ एल सी सर्किट, यानी कि जब या तो एल या फिर सी बढ़ाया जाता है तो एल सी सर्किट की गुंजयमान यानी कि रेजोनेंस आवृत्ति होती है। आपके ऑप्शन है एक ही रहती है, बढ़ती है, कम हो जाती है या फिर अपर्याप्त डेटा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, वो है कम हो जाती है यानी कि डिक्रीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट द पैरेलल रेजोनेंस द नेट रिसिप्ट सॉरी रिएक्टिव कंपोनेंट सर्किट करंट इज, यानी कि समांतर अनुनाद पर शुद्ध प्रतिक्रियाशील घटक सर्किट करंट है। आपका ऑप्शन है संधारित, शून्य, अधिष्ठापन का कार्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, जीरो यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट इम्पीडेंस इज, यानी कि समांतर प्रतिध्वनि में सर्किट प्रतिबाधा है। आपका ऑप्शन है सी अपॉन एल आर, आर अपॉन एल सी, सी आर अपॉन एल या फिर एल अपॉन सी आर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, एल अपॉन सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रेडियो ट्रांसमिशन द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन इज, यानी कि एक रेडियो प्रसारण में संचरण का माध्यम क्या होता है। आपको ऑप्शन है अंतरिक्ष, एंटीना, केबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इन लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इज इंक्रीज पावर इज इंक्रीज, यानी कि यदि मॉड्यूलेशन का स्तर बढ़ाया जाता है डैश शक्ति बढ़ाई जाती है। आपका ऑप्शन है वाहक, साइड बैंड, कैरियर के साथ साथ साइड बैंड, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइड बैंड, यानी कि जब एक यदि मॉड्यूलेशन का स्तर बढ़ाया जाता है तो साइड बैंड की शक्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन वही कह रहा है कि इन द जीरो वोल्टेज रेगुलेटर द चेंजेस इन लोड करंट प्रोड्यूस चेंजेस इन, यानी कि जेनर वोल्टेज रेगुलेटर में लोड करंट परिवर्तन होता है। आपका ऑप्शन है जेनर करंट, जेनर वोल्टेज और साथ ही जेनर करंट या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ जेनर वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज फॉर डैश लोड करंट, यानी कि एक जेनर वोल्टेज नियामक का उपयोग डैश लोड धाराओं के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है उच्च, बहुत उच्च, मध्यम या फिर छोटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा यानी कि स्मॉल, यानी कि एक जेनर वोल्टेज नियामक का उपयोग छोटा लोड धाराओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मोनो स्टेबल वाइब्रेटर हैश, यानी कि एक अखंड थरथराने वाला यानी मोनो स्टेबल कह सकते हैं वाइब्रेटर है। आपका ऑप्शन है कोई स्थिति, कोई स्थिर अवस्था नहीं, एक स्थिर अवस्था, दो स्थिर अवस्था, इनमें से कोई भी नहीं। और करेक्ट आंसर हो जाएगा एक स्थिर अवस्था यानी कि वन स्टेबल स्टेट। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मल्टी वाइब्रेटर विच जनरेट्स स्क्वायर वेव ऑपरेट्स ऑन इज द डैश मल्टी वाइब्रेटर, यानी कि जो मल्टी वाइब्रेटर अपने आप वर्गाकार तरंग उत्पन्न करता है वह है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है। तो एक स्थिति, बी स्टेबल, अनवस्थ स्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, अस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज द हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस, यानी कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में उच्चतम इनपुट प्रतिबाधा है। आपका ऑप्शन है जेफेट मॉसफेट, क्रिस्टल डायोड या फिर साधारण ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉसफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मॉसफेट यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डैश टू कंट्रोल द चैनल करंट, यानी कि मॉसफेट एक डैश के विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है चैनल कंट्रोल करंट को नियंत्रित करने के लिए। आपका ऑप्शन है कैपेसिटर, बैटरी, जनरेटर या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एस सी आर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ए सी सप्लाई, यानी कि एक ए सी आर नियंत्रण को नियंत्रित करता है डैश ए सी आपूर्ति। आपके ऑप्शन है केवल सकारात्मक आधा चक्र, केवल नकारात्मक आधा चक्र, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक या फिर सकारात्मक या नकारात्मक आधा चक्र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, सकारात्मक या नकारात्मक आधा चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी कैन कंट्रोल एसी पावर इन अ लोड बाय कनेक्टिंग, यानी कि हम एसी को नियंत्रण
कर सकते हैं कनेक्ट करने के एक भार में शक्ति डैश। आपका ऑप्शन है श्रृंखला में, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ शोर आ रहा होगा तो उसके लिए ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है टू SCR इन द सीरीज, टू SCR इन द पैरलर, टू SCR इन द पैरलर ऑपोजिशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टू SCR इन पैरलर ऑपोजिशन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिवाइस दैट एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इज, यानी कि नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र के प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। आपके ऑप्शन है डाइस DISC डाइस, या फिर ट्राइस ट्रांजिस्टर, या फिर UJT। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, UJT। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।